रोल्स रॉयस। नाम सुनते ही आपके मन में भी आती होगी लग्जरियस लाइफस्टाइल और बहुत सारा पैसा ही पैसा। और इसी रोल्स रॉयस कार को रोल्स रॉयस बनाती है इसकी द स्पिरिट ऑफ एक्टेसी। और रोल्स रॉयस कंपनी फोर्थ सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट इंजन बनाने वाली कंपनी भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई? यह कहानी स्टार्ट होती है रोल्स रॉयस के पहले फाउंडर हेनरी रॉयस से। हेनरी रॉयस का जन्म 27 मार्च 1863 में हुआ था। हेनरी रॉयस के बचपन में उनके पिता की बहुत जल्द ही मौत हो गई थी और जो उम्र बच्चों के स्कूल जाने की होती है उसी उम्र में हेनरी रॉयस अपने घर को चलाने के लिए न्यूज़पेपर्स और टेलीग्राम्स को बेचते थे। 15 साल की उम्र में हेनरी रॉयस पीटरबोरो में ग्रेट नॉर्दर्न कंपनी में इंजीनियर थे और 1882 तक वे लिवरपूल की पहली इलेक्ट्रिकल स्ट्रीट लाइटनिंग सिस्टम के लिए मुख्य इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। 2 साल बाद यानी 1884 में वे मैनचेस्टर चले गए थे और अपना खुद का इंजीनियरिंग बिजनेस शुरू किया जो रॉयस लिमिटेड के रूप में डेवलप्ड हुआ और जो इलेक्ट्रिकल ड्राइवन क्रेन डायनमो और मोटर्स के निर्माता थे। और फिर 1899 में उन्होंने अपनी कंपनी को रजिस्टर कराया। लेकिन आगे चलकर जर्मनी और यूएस से आने वाले क्रेन डायनमो और मोटर्स से कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा था और कंपनी इससे अच्छा ग्रो नहीं कर पाई और इन्हें बहुत सारा घाटा भी होने लगा था। इसलिए हेनरी रॉयस ने इन सब के बाद कार्स को बनाने का फैसला किया और 1901 में मार्केट में आई नई डेकावाइल और डिडोइन कार को खरीदा और उन कार्स में कमियों को उन्होंने अच्छे से ऑब्जर्व किया और फिर 1904 में उन्होंने इन्हीं दो कारों की कमियों को देखकर अपनी 3 कारें बनाई और इन 3 कार में से उन्होंने 1 कार अपने बिजनेस पार्टनर रह चुके क्लेयरमॉन्ट को दे दी थी और जिन्होंने उनकी दूसरी कार को खरीदा उसका नाम हेनरी एडमांस था। और यहीं से अब रोल्स रॉयस के दूसरे फाउंडर चार्ल्स रॉयस की कहानी स्टार्ट होती है। दरअसल चार्ल्स रॉयस हेनरी एडमांस के बहुत अच्छे दोस्त थे और लंदन में उनका कार शोरूम ओपन था और जब उन्होंने हेनरी एडमांस की कार को देखा तो उन्हें वह कार बहुत ही ज्यादा पसंद आई और फिर हेनरी एडमांस ने बताया कि यह कार को हेनरी रॉयस ने बनाया है। तो तभी से हेनरी रॉयस और चार्ल्स रॉयस में बिजनेस पार्टनरशिप हो गई और फिर 23 दिसंबर 1904 को इनके बीच में डील हुई कि हेनरी रॉयस जो भी कार को मैन्युफैक्चर करेंगे वह चार्ल्स रॉयस खरीदकर उन्हें अपने शोरूम में बेचेगा और वह सारी कार्स रॉल्स रॉयस के नाम से भी जानी जाएगी। और फिर उन्होंने अपनी पहली कार रॉल्स रॉयस 10 HP को लॉन्च किया। यहां से कार को बनाने का टेक्निकल नॉलेज हेनरी का और चार्ल्स का बिजनेस नॉलेज एकदम मस्त हो गया और फिर इन दोनों की कंपनी बहुत तेजी से ग्रो करने लगी और फिर रोल्स रॉयस ने 1907 में सिल्वर घोस्ट नाम की कार को लॉन्च किया जो कि लोगों को काफी पसंद भी आने लगी जिसके चलते इस कार को द बेस्ट कार ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाने लगा। और फिर 1910 में चार्ल्स रॉयस की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस समय इनकी उम्र केवल 32 साल की ही थी और अब इनकी पार्टनरशिप भी टूट चुकी थी। फिर 1914 में रॉल्स रॉयस अब सिर्फ कार्स ही नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट के इंजन बनाने का काम भी शुरू कर दिया था और सबसे पहला इंजन जो रॉल्स रॉयस वालों ने बनाया था उसका नाम था ईगल। जी हाँ, अब 1921 में रॉल्स रॉयस की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी तो उन्होंने मैसाचुसेट्स में इन्होंने एक नई फैक्ट्री को खोला और इसी साल इन्होंने एक नई कार स्प्रिंगफील्ड घोस्ट को भी लॉन्च कर दिया था। और फिर 1930 में रॉल्स रॉयस ने बेंटली कंपनी जो पोर्ट्स रेसिंग कार को भी मैन्युफैक्चर करती है उसको भी रॉल्स रॉयस कंपनी ने पूरी तरीके से खरीद लिया था। और फिर इसके 3 साल बाद ही यानी 1933 में हेनरी रॉयस की भी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद कंपनी ने अपनी पहली कार जो डीजल इंजन से चलती ही थी उसे 1948 में लॉन्च किया और फिर 1951 में उन्होंने अपनी पहली लग्जरी कार सिल्वर डॉन जो डीजल इंजन से काम करती थी उसको लॉन्च कर दिया था। हालांकि 1964 के आते आते रिसर्च एंड डेवलपमेंट के चलते एयरो इंजन्स का कंपटीशन अब बहुत तेजी से बढ़ने लग रहा था। इसलिए रोल्स रॉयस वालों ने 80,000 नए लोगों को अपनी कंपनी में काम करने का मौका भी दिया और मैन पावर के चलते इनकी कंपनी ब्रिटेन की 14th लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी थी। और मंदी के चलते उनकी ऑटोमोबाइल कंपनी घाटे में भी जा रही थी जिससे इन्होंने 1998 को अपनी कंपनी बेचने का फैसला किया और सबसे ज्यादा बोली जिसने लगाई थी वह थी BMW और वॉल्सवैगन की कंपनी। और फिर 2011 के बाद से यह कंपनी रोल्स रॉयस लिमिटेड PLC के तरफ से काम करती है। सो गाइस, यह स्टोरी हो जाती है अब खत्म। अगर तुम लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक ठोको और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलो मैं मिलता हूँ तुम लोग को एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।